तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दाल की खस्ता कचौड़ी, जो कि दाल को हम भर कर नहीं, दाल को हम मिलाकर बनाएंगे। और साथ ही हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारी टिप्स, जो कि हम अपने हर वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। इसलिए हमारा वीडियो आप जरूर देखिए लास्ट तक और हमसे एक ऐसी टिप्स लीजिए जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 कटोरी आटा है ये हमारा, ये 1 कटोरी पीसी हुई उड़द की दाल है। इसको हमने भिगा दिया था 4-5 घंटे और इसको धोकर इसके छिलके निकाल कर इसको पीस लिया है। और दोस्तों इसी कटोरी से हमने ये आटा 1.5 कटोरी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम मोवा लगाएंगे, इसके लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए इस आटे में हमने दाल भी अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। दोस्तों हम इसमें सौंफ डाल देंगे, ये हमने 2 से 3 चम्मच ले ली है। लाल और हरी मिर्च को मिला के डाल देंगे। कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसमें। एक चम्मच भुना हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे और दोस्तों नमक हम डेढ़ चम्मच डाल देंगे और आप अपने टेस्ट के अनुसार डालीजिए। अगर आप सब्जी से खाना चाहते हैं नमक कुछ कम रखिए, अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हैं तो नमक ज्यादा रखिए और आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों ये भुना मसाला जो हमने डाला है इसमें हमने कलौंजी, जीरा और सौंफ इसको भून के अच्छे से पीस लिया था, वही मसाला हमने इसमें डाला है। अब चलिए इसको हम पानी से मार लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि आटा हमारा गीला नहीं होना चाहिए। इसमें दाल मिली हुई है इसलिए हमें थोड़ा ही पानी यूज करना पड़ेगा इसमें। ये ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा टाइट है, हमने मीडियम आटा लगाया है जिससे कचौड़ियां हमारी फूल जाए, फूल कर खस्ता बन जाए। तो चलिए गैस पर हम कढ़ाई रख देते हैं तेल डालकर। तो दोस्तों देखिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है, जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम कचौड़ियां भेज देते हैं। दोस्तों पहले हम आटे की लोइयां काट लेंगे। हम दोस्तों मीडियम साइज की लोई काटेंगे, ना बहुत बड़ी काटेंगे ना बहुत छोटी। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी आप लोइयां काट लीजिएगा। अब इसको बेल लेंगे हम। दोस्तों हम इसे बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे,
कचौड़ी बेलने में दिक्कत आती है तो आप सूखा आटा जरूर यूज कर लीजिएगा। इसी तरह हम बाकी की सारी कचौड़ियां बेल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने इतनी कचौड़ियां बेल कर तैयार कर ली हैं। चलिए इनको पहले तल लेते हैं। तेल हमारा देखिए दोस्तों गर्म हो गया, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसको हम मीडियम आंच पे कर देंगे और कचौड़ी डाल देंगे। इसमें दोस्तों दो कचौड़ी हम एक साथ डाल देंगे। इनको हम पलट देंगे बीच में। दोस्तों ये हमारी कचौड़ियां पक गई हैं। अब इनको हम दूसरी डाल देंगे, इनको निकाल देंगे और दूसरी कचौड़ी डाल देंगे। हम बाकी की कचौड़ियां इसी तरह तल लेंगे। दोस्तों देखिए हमारी खस्ता कचौड़ियां बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसमें जो सौंफ की और कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है वो तो क्या कहना, लाजवाब खुशबू है। तो दोस्तों आज हमारी पहली टिप है, अक्सर करके खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गीली सब्जी या दाल में आलू को छील कर डाल देना है, या अगर आपके पास आलू अवेलेबल नहीं है तो आप आटे के छोटे पेड़े बनाकर 2-3 पेड़े उसमें डाल सकते हैं, जिससे आपका दाल और सब्जी में नमक बराबर हो जाएगा। और याद से खाना सर्व करने से पहले वो आलू या आटे के वो पेड़े आप जरूर बाहर निकाल लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर सब्जी सूखी हो तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आप सूखी सब्जी में थोड़ा सा बेसन डालकर उसको अच्छे से भून लीजिए, आपका उसमें भी नमक बराबर आ जाएगा और खाने का आपका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।